हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। और इधर देख सकते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, शाम का टाइम है और मन किया था कि थोड़ा सा पढ़ूँ, तो वही मैं किताब लेके बैठी हुई हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि मैं शो ऑफ करती हूँ कि किताब लेके मैं पढ़ती हूँ। पर कभी कभार होता है ये कि मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा 5 मिनट का इससे भी मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, वो ये हो जाता है। और इधर देख सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? अभी मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करके उठी हूँ और आप लोग से बात करने का मन किया है, तो सोची कि अपने फ्रेंड से पहले बात कर लेती हूँ, कि दूसरा कोई काम करूँगी। तो आप लोग कैसे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। और जो कमेंट करते हैं प्यारा प्यारा सब, बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियो में हमेशा अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। और अभी का टाइम 5 बज रहा है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। पूछी पापा जी से तो बोले कि पोहा बना दो थोड़ा सा, तो वहीं मैं आ गई हूँ किचन में पढ़ाई करके। थोड़ा सा आप लोग से बात भी की हूँ और यहाँ आ गई किचन में। तो प्याज वगैरह काट के मैं सिंपल सा पोहा बनाती हूँ, ज़्यादा हरी सब्जियाँ वगैरह ये सब नहीं डालती हूँ, किसी को खाना पसंद नहीं है। तो सिंपल सा प्याज, हरी मिर्च, तेल, हल्दी थोड़ा सा डाल के और पोहे को, चूड़ा को थोड़ा सा हल्का एकदम धो के जल्दी से डाल देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा करने पे वो गीला गीला अजीब सा हो जाता है, इसलिए उसको। और मेरा पोहा बहुत टेस्टी बना था, सभी लोग बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें मैं किशमिश और मिक्सचर डाल के आप सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, शाम को हल्का फुल्का नाश्ता के लिए सही है। अभी मैं दिखाती हूँ। मैं पूरा इसका वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि कैमरा एक जगह टिकाई हुई हूँ, फिर मेरे पास वही रीज़न है कि मेरे साथ कोई है नहीं जो मेरा हेल्प कर पाए, मेरा कैमरा पकड़ पाए। आप लोग भी सोचते होंगे कि एक ही रीज़न को बार बार ये बताती है, पर मैं नए व्यूअर के लिए बता देना चाहती हूँ कि मैं अकेले ही करती हूँ, इस वजह से ऐसा होता है। और इधर देख सकते हैं, मैं एकदम हल्का सा मैं छन्नी में डाल के पोहे को क्यों, और बहुत अलग अलग सा दिख रहा है पोहा। देख सकते हैं मेरा सिंपल सा पोहा तैयार हो चुका है और हल्का सा इसमें नमक डाल दूँगी, और नमक डाल के और इसको बस मैं निकाल लूँगी। मूंगफली था पर मैं नहीं भून पाई थी और इसलिए इसमें किशमिश डाल के दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं अभी नहा कर आई हूँ, देख सकते हैं आज शैम्पू की हूँ, सुबह वैसे ही हो रहा है। अब मैं चलूँगी पूजा करने, पूजा करके नाश्ता करके और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी और आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे कुछ होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहना, इतना स्किप किए पूरा ब्लॉग देखना। और मैं मिलती हूँ बस कुछ ही देर में, बस पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मैं दिन में क्या करूँगी, सब कुछ आप लोग सबके साथ शेयर करूँगी कैसे क्या। और कल मेरे बेटी का बर्थडे है, उसका भी पूरा तैयारी मुझे करना है। तो मैं आप लोग को सब चीज़ एक एक करके दिखाऊँगी कि क्या मंगाई हूँ ऑनलाइन, क्या शॉपिंग होगा, कहाँ फिर मुझे मार्केट भी जाना है। सो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फैन का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, बहुत तेज धूप है, गर्मी से एकदम मन परेशान हो जाता है, इस वजह से फ़ैन भी नहीं बंद कर सकती। और बाल धोने पे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, ठंडा ठंडा सा लगता है। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग ब्लॉग में प्लीज़ बने रहना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी बारिश हो रही है। दिन में अगर बारिश हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा मैं कैप्चर कर लूँ, आप लोग को ऊपर से देख के पता नहीं चल। सो फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया है और अभी तुरंत मैं आई हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। आप लोग कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताना, और विदाउट फिल्टर है। मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं करती, डेली यूज में तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा मेकअप वगैरह। सो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर करना, डेली में मुझे मेकअप लगाना उतना सही नहीं लगता, वो स्किन के लिए भी सही नहीं होता है, बस सिंदूर बिंदी जो है उतना तक ही काफ़ी है। बहुत सारे यूट्यूबर है जो सज धज के बनाते हैं, उनकी अपनी चॉइस है, पर मेरा चॉइस यही है कि मैं सिंपल हूँ, जैसे भी हूँ बस वैसे ही बनाती हूँ। और इधर देख सकते हैं बेटी क्या कर रही है, और इसका अभी मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, उसी का प्रिपरेशन करने में लगी हुई हूँ। मैं इसको थोड़ा सा तैयारी करवा दूँ, इस वजह से मेरा ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रहा है इसी के में,
और अभी देख सकते हैं कि धूप निकल गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी, अभी धूप निकल गया है, तो बाहर कपड़ा वगैरह भी डाल के आ गई हूँ। और ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहना, और ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं खाने में बनाई थी चावल दाल बैंगन आलू का भुजिया, फिर से भिंडी का भुजिया, साग हरा वाला साग बनाई थी, और रोटी दलिया, ये सब नाश्ते से लेकर खाने तक ये सब चला है। हस्बैंड मॉर्निंग में ही ऑफिस चले गए हैं और बेटी भी स्कूल से जाकर आ गई। क्या देखो ना, इसमें रैम्स हो गए, एक ही रैम्प, वो नर्सरी का रैम्स है बेटा, ये तो इसका है, बहुत शैतान, देखते रहिए क्या क्या कर रही है। देखिए दोस्तों, बर्थडे है ना? हाँ मम्मा। क्या क्या होगा बर्थडे में कल? चॉकलेट खरीदा जाएगा, हम हैप्पी बर्थडे के लिए बहुत सारे बैलून खरीदा जाएगा, नाम लिखवा जाएगा, बाद यूनिकॉर्न इधर उधर लगाएंगे। बहुत सारे बैलून वगैरह मैं ऑर्डर कर दी थी और आ गया है, बहुत खुश है। फ्रॉक भी इसका आ चुका है और मैं कल इसका फाइनल लुक, बर्थडे का लुक आप लोग से शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि दिन का हर एक टाइम का जो भी मैं काम करूँ उसको मैं शेयर करूँ। देखती हूँ पॉसिबल हो पाता है या नहीं। मेरे साथ दिक्कत यही है कि मेरे साथ कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट करने वाला है, अकेले जो करना है सो खुद करती हूँ। इस वजह से मैं बहुत ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, उसका मुझे गिल्ट होता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि काम इम्पोर्टेंट है। ठीक है जाओ। सो इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, बोल दीजिए प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, मैं सब्सक्राइब को दूर दूर से करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।